So students, in this video, we are going to deal with a very important question, a very important problem in mathematics or in trigonometry, that is finding the maximum value of this expression, a sin theta plus b cos theta. ये बार बार फिजिक्स में आता है अलग अलग जगहों पे. हमें इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है a sin theta plus b cos theta की. कैसे निकाला जाए? तो सबसे पहले जो स्टूडेंट्स को गलतफहमी होती है वो समझते हैं. स्टूडेंट्स बोलते हैं कि sin theta की मैक्सिमम वैल्यू 1, cos theta की भी मैक्सिमम वैल्यू 1. तो sin theta की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो गई, cos theta की भी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो गई, इसलिए a sin theta plus b cos theta की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई, a into 1 plus b into 1, a plus b. ये करेक्ट नहीं है. ये क्यों करेक्ट नहीं है? क्योंकि sin theta और cos theta दोनों कभी एक साथ 1 नहीं हो सकते. आपको पता है sin square theta प्लस cos square theta equals to 1 है. That means अगर sin theta 1 होता है तो cos theta को 0 होना पड़ेगा, cos theta 1 होता है तो sin theta को 0 होना पड़ेगा. दोनों एक साथ 1 हो नहीं सकते. तो ऐसे में a sin theta plus b cos theta की maximum value कैसे निकाली जाए, ये सवाल है. तो जो हमने किया वो तो गलत है, इसलिए कुछ और करते हैं. तो इस expression की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए मैंने अज्यूम कर लिया कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा की वैल्यू है s. तो s इज इक्वल टू कितना हो गया, a sin थीटा प्लस b cos थीटा. इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मतलब s की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है. इसको सॉल्व करने के लिए मैंने इस पूरी इक्वेशन को LHS और RHS दोनों को अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एस अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बाय रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस बी बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा. अब सम ऑफ यू माइट बी थिंकिंग कि ऐसा क्यों किया. इसका कारण दो स्टेप में समझ में आ जाएगा या अभी समझ में आ जाएगा. मैं अगर इस एक्सप्रेशन को देखूं और इस एक्सप्रेशन को देखूं तो एक चीज जो आप नोट कर सकते हो, डोंट वरी, मैं ये नहीं सोच रहा था कि आप खुद से नोट कर लेंगे, पर जब मैं आपको बताऊं तो आपको समझ में आना चाहिए. आप क्या नोट कर सकते हो कि इसका स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. दैट मीन्स इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर का सम कितना है, 1. दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ऐसा कहां होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है. तो यहां पर मैंने जानबूझ के ये डिजाइन किया कि इधर और इधर ऐसे एक्सप्रेशन आए जिनके स्क्वायर का सम 1 हो जाए, ताकि अगर मैं इस टर्म को cos फाई मानूं तो ये टर्म ऑटोमेटिकली sin फाई में कन्वर्ट हो जाए. इससे मुझे क्या फायदा होगा, देखते हैं. मैं एक ऐसा ट्रायंगल बनाता हूं जिसमें cos फाई की वैल्यू ये हो जाए और sin फाई की वैल्यू ये हो जाए. मैंने ट्रायंगल बना लिया, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ये वाला एंगल फाई है, ये वाली साइड लेंथ मैंने ले ली ए, ये वाली साइड लेंथ मैंने ले ली बी, ये हो गया रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो देखिए कॉस फाई कितना है, ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साइन फाई कितना है, बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो हम यहां पे एक चीज और कह सकते हैं कि tan phi कितना है, phi की वैल्यू निकालने के लिए क्या निकाल सकते हैं, tan phi निकाल सकते हैं. tan phi इक्वल्स टू b बाय a है. tan phi अगर b बाय a है
तो मतलब क्या है, आप ये भी लिख सकते हो दिस इंप्लाइज फाइ इक्वल्स टू टेन इनवर्स बी बाय ए। अब वापस से इस एक्सप्रेशन को देखते हैं, हमारे पास क्या है, हमारे पास है एस अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, साइन थीटा कॉस फाई। प्लस कॉस थीटा साइन फाई। अब ये एक्सप्रेशन क्या है, देखिए साइन लड्डू कॉस पेड़ा प्लस कॉस लड्डू साइन पेड़ा, दिस इज अ सिंपल एक्सप्रेशन फॉर साइन ऑफ ए प्लस बी। तो ये क्या है आपका, साइन ऑफ थीटा प्लस फाई। साइन थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू एस अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, विच इंप्लाइज एस इक्वल्स टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स साइन ऑफ थीटा प्लस फाई। हमें चाहिए एस की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। एस मैक्सिमम कब होगा, जब आपका ये एक्सप्रेशन वन हो जाए, क्योंकि यहां पे सिर्फ यही है वेरिएबल साइन ऑफ थीटा प्लस फाई, फाई कॉन्स्टेंट है, फाई की वैल्यू कितनी है टेन फाई इज इक्वल टू बी बाय ए, वेरिएबल सिर्फ थीटा ही है, तो एक यही टर्म है साइन थीटा प्लस फाई जो कि थीटा के चेंज करने पे वैरी करेगा। ये वाला एक्सप्रेशन तो कॉन्स्टेंट है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स साइन ऑफ थीटा प्लस फाई। एस मैक्सिमम कब होगा, जब ये साइन थीटा प्लस फाई मैक्सिमम हो जाए मतलब वन हो जाए, और एस मिनिमम कब होगा, जब ये साइन थीटा प्लस फाई मिनिमम हो जाए। अब आप सोचेंगे साइन की वैल्यू मिनिमम का कितनी होती है, साइन की मिनिमम वैल्यू होती है जीरो, नहीं साइन की मिनिमम वैल्यू होती है माइनस वन। तो एस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स ये वाला साइन थीटा प्लस फाई है, तो एस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब ये मैक्सिमम हो जाए प्लस वन हो जाए, तो एक्स एस की मैक्सिमम वैल्यू हो गई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एस की मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, जब ये साइन मिनिमम हो जाए मतलब माइनस हो जाए माइनस वन हो जाए, ये हो जाएगा माइनस टाइम्स रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस एक्सप्रेशन की आपको मैक्सिमम वैल्यू पता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मिनिमम वैल्यू पता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट विथ नेगेटिव साइन। अब हम ये निकालते हैं कि थीटा की किस वैल्यू पर ये मैक्सिमम या मिनिमम होता है, सिर्फ मैक्सिमम निकालेंगे, मिनिमम आप खुद से ट्राई करिएगा। अगर हम चाहते हैं कि एस मैक्सिमम हो जाए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एस को मैक्सिमम करने के लिए ये जो थीटा प्लस फाई है ये कितना होना चाहिए 90 डिग्री, थीटा प्लस फाई कितना होना चाहिए 90 डिग्री। दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस फाई। अब हमें देखिए टेन फाई पता है बी बाय, मैं काम करता हूं टेन थीटा निकालता हूं, देयर फॉर टेन थीटा इक्वल्स टू टेन ऑफ 90 डिग्री माइनस फाई, टेन 90 डिग्री माइनस फाई कितना हो जाएगा कॉट फाई, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना, तो टेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉट फाई आ गया, और कॉट फाई क्या होता है वन अपॉन टेन फाई। दिस इंप्लाइज टेन थीटा इज इक्वल टू वन बाय टेन फाई, और वन बाय टेन फाई कितना हो जाएगा ए बाई बी, दिस इंप्लाइज टेन थीटा इक्वल्स टू ए बाय बी, और थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स ए बाय बी। तो ये आपके सम की मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू आ गई, और साथ ही साथ थीटा की किस वैल्यू पे ये मैक्सिमम होगा ये भी आ गया। अगर आपको मिनिमम निकालना है तो प्रोसीड बाय सेम मेथड, बस थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू 90 डिग्री की बजाय माइनस 90 डिग्री कर दीजिएगा, क्योंकि आपको ये जो साइन थीटा प्लस फाइव है इसकी वैल्यू चाहिए माइनस वन। तो ये आपका एक्सप्रेशन हुआ मैक्सिमम वैल्यू का मिनिमम वैल्यू का, और थीटा की किस वैल्यू पर ये एक्सप्रेशन मैक्सिमम होता है उसका आंसर है।